हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो इन्वेस्ट एंड अर्न ऐप स्कैम्स हैं, ठीक है। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको कुछ पैसा पहले इन्वेस्ट करना है, जो कि एक स्मॉल अमाउंट भी हो सकता है, जिससे आपको एक शुरुआत करके इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको जो है कुछ कैशबैक या फिर यहाँ पे जो है आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। आप 500 इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको 90 डेज के अंदर 500 का 5000 भी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके के इनके जो ऑफर्स हैं वो रहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से ये जो ऐप्स है वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। वैस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके की जो ऐप्स है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको वो डिटेल में समझना है कि इनके पीछे किस तरीके से कौन सी टीम ऑपरेट करती है, ठीक है, और ये लोग काम कैसे करते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गाइस, हम आ गए हैं जॉनसन की वेबसाइट पे, जिन्होंने डिज़ाइन की हुई है और यहाँ पे ब्रांड नेम का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ एक वेलकम मैसेज भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे रिचार्ज, विदड्रॉ, माय टीम्स, इनविटेशन, गिफ्ट रिडेम्पशन, बैंक, माय प्रोजेक्ट्स, ऐप डाउनलोड, ये इस तरीके के ऑप्शन जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ पे डेली मिशन करके भी दे रखा है, ठीक है। जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको चेक करना रहेगा और वो मिशन आपको करना रहेगा। तो देख लेते हैं डेली मिशन में क्या है। तो डेली मिशन में यहाँ पे आपको 3 लोगों को इनवाइट करना है, उनको सेम डे पे जो है रजिस्टर करना चाहिए और आपको 5 रुपये रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन द सेम डे, ठीक है, अगर वो सेम डे पे टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये रिवार्ड जो है आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है देख सकते हैं आप, इनवाइट से रिलेटेड जो इनका जो मिशन है वो यहाँ पे दे रखा होता है, ठीक है। और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं रिचार्ज। तो रिचार्ज ये जो है ये आपको करने को बोलते हैं, आपको बोला जाएगा कि आप मिनिमम 500 से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं कि रिचार्ज जब आप करने जाते हो तो किस तरीके से इनका जो पेमेंट है वो यहाँ पे लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करके यहाँ पे 500 अमाउंट एंटर करता हूँ और CS Pay पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो द ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। और उसके बाद डियर सर मैडम काइंडली क्लिक द बटन टू कंटिन्यू, इस तरीके से जो है यहाँ पे मुझे दिखे हुआ है। HR3 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो HR3 पे जब आप क्लिक करके सबमिट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक QR कोड दे दिया जाता है और एक UPI ID भी यहाँ पे दे रखी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रेफरेंस नंबर यानी कि UTR नंबर जो है वो आपको एंटर करना रहेगा। यहाँ पे दे भी रखा होता है कि किस तरीके से जो रेफरेंस नंबर है जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपके जो स्क्रीनशॉट जो पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इमेजेस भी दे रखी होती है इन्होंने रेफरेंस के लिए, ठीक है, कि आप किस तरीके से जो है UTR नंबर आपको मैसेज में आएगा और वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट करने के बाद। और इसके बाद यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन आप ऑब्वियसली विड्रॉ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कुछ विड्रॉ से रिलेटेड फीस भी मेंशन कर रखी होती है, ठीक है। और विड्रॉ के बाद आप माई टीम्स में, तो अगर आपने मान के चलिए जिन बंदों को रेफर किया है तो वो सारे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। और इनविटेशन कोड जो भी आप लोग रेफर करना चाहते हो आप उनको ये कोड दे सकते हो, ठीक है। तो वो जब इस वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे तो वो ये आपका कोड डाल के जो है रजिस्टर करेंगे तो वो आपकी टीम में आ जाएंगे। गिफ्ट रिडेम्पशन, तो यहाँ पे कोई गिफ्ट कूपन आपको कोड मिला है तो वो आप रिडीम कर सकते हो। बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको अटैच करनी होती है, बैंक सेक्शन में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स अटैच करनी रहेगी, ठीक है ना। आपको कोई भी प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी है तो आप देख सकते हो कि इसका जो है पर्टिकुलर ऐप की डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखी होती है, ठीक है। इन्होंने ये खुद की ही यहाँ पे रेटिंग दे रखी होती है जिसमें इन्होंने 4.9 रेटिंग जो है खुद को दे रखी होती है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी की चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की जाती हैं और ये सारी फेक चीज़ें जो इन्होंने खुद से मेंशन कर रखी होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ऐप ऑप्टिमाइजेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने नोटिस डाल रखा होता है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फ्री गिफ्ट गोज लाइव ऑन July 9, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री गिफ्ट भी लोगों को दी जाती है जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को आपको इन्वाइट करना है, उसके बाद आपको कुछ जो है गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को इनवाइट करके उनको ये जो प्रोडक्ट है LP6800 Z6600, ठीक है, ये जो है ख़रीदना है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है फ्री गिफ्ट मिलेगा और 30 रुपये से आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसका 70 डेज का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ठीक है। टोटल वैल्यू इज 2100। तो इस तरीके से उसकी जो अमाउंट है वो भी दे रखी होती है। तो देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे बाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इनके जो है
प्रोडक्ट्स यहाँ पे दे रखे होते हैं, ठीक है। उनकी कॉस्ट भी होती है यहाँ पे, जिसके कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स भी है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है LP29800, ठीक है, इस पर कुछ टाइम भी इन्होंने चला रखा है कि ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ इतनी देर के लिए है, इसके बाद ये जो ऑफ़र है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट पेज। और ये जेड सीरीज, ठीक है, जेड सीरीज़ के भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है रखे हैं, और ग्रेटफुल यानी कि जी, जो जी से स्टार्ट होंगे, आप देख सकते हैं जी से जो प्रोडक्ट स्टार्ट हैं वो भी यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टे ट्यून्ड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो जिन पे करंट ऑफर चल रहा है, ठीक है, इनके वेबसाइट पे लोग कुछ मेंशन करके रखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं इन पे आज ऑफर चल रहा है, और वो सिर्फ इतने ही टाइम के लिए है, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये सिर्फ 1 घंटे तक के लिए ही है ऑफर, ठीक है। तो इस तरीके से और भी इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जिन पे कि 1 घंटे के लिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे ऑफर है। और लक में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बैलेंस चाहिए, मे बी इसको चलाने के लिए आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है, यू डोंट हैव अ लकी ड्रॉ चांसेस। तो इसके लिए भी आपको आइटम परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जो है इसको चला सकते हैं, ठीक है, जिसमें 5% कूपन, 6% कूपन, 200 रुपये, 1000 रुपये या इस तरीके से जो है यहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन लीगल नोटिस, ऑफिशियल नोटिस, ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आपको दिखाया जाता है कि जो वेबसाइट का डोमेन है वो चेंज हो गया है, और अभी जो डोमेन है वो ये है, आप इस पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और ये सब जेन्युइन है। तो ये जो अपनी ऐप है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे भी उस ब्रांड नेम का यूज़ करके यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे उनको लगे कि भाई ये फेक नहीं है, ये रियल है, ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने नोटिस निकाल रखा होता है, ऑफिशियल नोटिस, जो कि एकदम जेन्युइन लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है एक स्कैम है। तो गाइस इस तरीके से ये जो ऐप है वो लोगों के साथ स्कैम करती है ब्रांड नेम्स यूज करके। तो गाइस मेनली क्या होता है कि ये जो स्कैम रहता है, ठीक है, इसमें ये आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे कई लोग जो है पैसा लगा रहे होंगे, ठीक है, आपने मान के चलिए 500 इन्वेस्ट किया, आपने स्क्रीनशॉट डाला, वहाँ पे और भी लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे होंगे, अब आपके सामने कोई 20,000 का स्क्रीनशॉट डाल रहा है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मेरा 20,000 का 30,000 हो गया, ठीक है, तो आपको भी एक मोटिवेशन जागेगा अंदर से, आप कहोगे कि भैया इतना अच्छा अच्छा लोग कमा रहे हैं, और ये जो ग्रुप के एडमिन रहते हैं ना, यही सारी चीज़ें जो है पोस्ट करते हैं आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप भी ये स्क्रीनशॉट देखने के बाद पैसा लगा देते हो, आप देखते हो कि भाई 50,000 लगा रहे, तो आप भी सोचते हो कि ठीक है भाई मैं भी अच्छा कमाऊंगा, क्योंकि वहां पे स्कीम ही कुछ इस तरीके की दी जाती है, आप 500 लगाओगे तो आपको 700 मिलेगा, अगर आप 50,000 लगाओगे तो आपको 70,000 मिलेगा, ठीक है, तो आपको भी लगेगा कि भाई यहाँ पे 20,000 मुझे मिलने वाला है, 50,000 तो आपके जेब में पड़ा है, आपने लगा दिया 50,000, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आप उसे विथड्रॉ करने जाएंगे तो आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप उसको बोलोगे व्हाट्सएप पे जाके कि भाई मेरा जो है पैसा मैं विथड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, वो बोलेगी जो इसकी रिसेप्शनिस्ट होगी, ठीक है, कि भैया तुम जो है अपने एडमिन से बात करो, तो ये जो सारा केस होता है ये एडमिन का होता है, ठीक है, वही आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं स्क्रीनशॉट डाल के, लेकिन जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, ठीक है, और आप बड़ा बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर देते हो, आपको 40 दिन में जो है पैसा डबल मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको आधा भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ये किस तरीके से स्कैम जो है करते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जीवी फुटबॉल ऐप का, जिसमें कि लोगों से बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे, ठीक है, जो लोग हैं उन्होंने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके लोगों ने जो है स्कैमर्स ने अपनाए लोगों से स्कैम करने के लिए, और लोग उसमें जो है फंसते चले गए और इन्वेस्ट करते चले गए। तो किस तरीके से लोगों ने लोगों से स्कैम किया, आइए समझते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि इन्होंने आप लोग देख सकते हैं कि एक यूजर है जिन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 4,655 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि कुछ स्क्रीनशॉट देख के इन्होंने और पैसा लगाया और यहाँ पे अभी 10,000 तक इन्होंने इन्वेस्ट किया, और बाद में और भी इन्होंने लगाया तो 20,000 तक इन्वेस्ट किया। और आप देख सकते हैं जब इन्होंने विथड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट की तो यहाँ पे सब पेंडिंग रिव्यू, ठीक है, और पेड इन भी है, जो कि इन्होंने अपनी ही वॉलेट में ऐड करवा दिया बैलेंस, ऐसा नहीं है कि वो इनके अकाउंट में आया, वो पैसा इन्हीं के जो ऐप है उसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो यानी कि आप जब विड्रॉ करने जाते हो तो यहाँ पे आपको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपका जो है विड्रॉ जो है रोक दिया जाता है, और हो सकता है इसके लिए आपको कुछ नोटिफिकेशंस भी मिले, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते हैं यहाँ पे, कि मेंशन किया गया है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो विड्रॉ एक्सेप्ट नहीं कर रही है इनकी कंपनी से, इन्होंने नेगोशिएट किया बट वो अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है,
और अभी ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, मतलब अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएशन किया लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, और इसके बाद इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि ये जो अपनी कंपनी है वो यूएस पे ही ऑपरेट करेंगे, और इस माइग्रेशन को करने के लिए आपको कुछ पे करना होगा, ठीक है, जिसमें ये 500 रुपीज आपको पे करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी नोटिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपको बोला जाता है कि भाई हम जो है इंडिया में एक बिल्डिंग जो है सेटअप करना चाहते हैं, आप चाहिए तो विजिट भी करके देख लीजिए, हम आपके साथ हैं हर तरीके से, और इस बिल्डिंग को सेटअप करने के लिए कुछ इंडियन गवर्नमेंट को हमें टैक्सेस देने होंगे, जिसका पेमेंट भी ये लोग आपसे मांगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 का टैक्स का पेमेंट ये लोग मांग रहे हैं, और आप टैक्स पे कर भी देते हो इस तरीके का आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो है आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने एक ऐप स्कैम के बारे में बात की जीबी पर, लेकिन यहाँ पे और भी कई तरीके की ऐप्स है, ठीक है, जिसमें कुछ ब्रांड नेम का भी यूज किया जा रहा है, जॉनसन का, फिलिप्स का, ठीक है, कैनेडियन स्कूलर, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली भाग गई और विड्रॉ शुरू किया, ठीक है। इससे पहले भी कई ऐप्स आई और चली गई, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, वो अभी भी ऐसी ऐप्स में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो सोचते हैं क्या है 500 रुपए जेब में पड़े रहते हैं, डाल दो कल निकाल लेना। रेफरल पे भी ये बहुत बड़े बड़े बोनसेस देते हैं, ठीक है, आपने 2 लोगों को लेके आइए उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये जो रेफरल का काम है मेनली ग्रुप के एडमिन्स भी करते हैं, ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप रहता है ना उनमें जो एडमिन्स रहते हैं उन लोगों को बोला जाता है कि पर डे पे आप जो इतने बंदे लेके आइए और उसके बेस पे इनको जो है कमीशन मिलता है, ठीक है। तो इनको कुछ बंदे लाने रहते हैं, और मान के चलिए कि वो लोग बंदे नहीं ला पा रहे, ठीक है, कुछ ऐसी वजह फंस गई कि अभी जो है उनको लोग नहीं मिल रहे, तो उसके बाद ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा बंद कर दिया जाता है, सबको बैन कर दिया जाता है, और जिनके भी अकाउंट्स थे उस ऐप पे, पर्टिकुलर ऐप पे, और जो भी पैसा फंसा हुआ था वो सारा का सारा रोक दिया जाता है। अगर आप वहां पे विड्रॉल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, और उसके बाद आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप अगर उसको मैसेज भी करोगे कि भाई मेरा जो है अकाउंट क्यों बैन कर दिया और मेरा इतना पैसा फंसा हुआ था, ठीक है, तो वहां पे वो बोल लेंगे कि आप एडमिन से ही बात करो, ठीक है, और यहाँ पे एडमिन भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इसके अलावा ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है ना उसमें ये लोग कुछ फोटोज भी पोस्ट करवाते हैं, ठीक है, एडमिन के थ्रू, या होता है ये लोग आपको भी बोले कि आप जो है जाइए और एक कम्युनिटी बनाइए और इस तरीके से लोगों के साथ फोटो लेके ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है, कि ये हमारी कंपनी है, इस तरीके से हमारा वर्क कल्चर है। तो यहाँ पे लोगों को भी एक ट्रस्ट गेन होगा कि भाई ये बंदा जो है इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और इतना मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अपनी एक कंपनी होती है ना जिसमें हम लोग काम करते हैं, और हम लोग जब उसकी वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, उसका अबाउट पेज में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें भी कुछ इस तरीके की फोटोज देखने को मिल जाती है कि कंपनी का जो वर्किंग एनवायरमेंट है, जो कल्चर है, वो किस तरीके का है। तो इस तरीके की जो फेक फोटोज है यहाँ पे ये लोग भी एडमिन को बोलते हैं कि जाके बनाइए और जो है ग्रुप में सेंड कीजिए। तो यहाँ पे एडमिन्स के इस तरीके से काम रहते हैं कि ये लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए मजबूर कर सकें। ये लोग मैक्सिमम लोग लेके आते हैं, ठीक है, इस ग्रुप में ऐड करने के लिए, इस स्कैम में फंसाने के लिए, और यहाँ पे कुछ इस तरीके के जो है कैंपेन भी चलाए जाते हैं लोगों को फंसाने के लिए। यहाँ पे आपसे एक और झूठ जो है बोला जाता है, ठीक है, जब आप अपना पैसा एडमिन से मांगने जाते हो, रिसेप्शनिस्ट को जब आप मैसेज करते हो कि मुझे जो है पैसा चाहिए मेरा, ठीक है, जो कि बैन हो गया है, तो वो जब आपसे बोलते हैं कि एडमिन से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है, तो उसके बाद ये आपको ये भी बोलते हैं कि भैया जो है आप एडमिन को मुझे मार लो, पीट लो, ठीक है, उसका एक वीडियो बना के मुझे भेज दो, उसके बाद मैं आपका जो पैसा है वो यहाँ पे रिफंड कर दूंगी पूरा का पूरा। तो इस तरीके से भी आपको जो बोला जाता है कि आपका जो पूरा का पूरा पैसा है वो एडमिन के पास है, वही आपको जो है पैसा दे सकता है। गाइस मान के चलिए कि इन्होंने पैसा जो है आपको दे भी दिया, ठीक है, आपने 40,000 लगाया था, मान के चलिए इन्होंने 10,000 दे भी दिया, ठीक है, या पूरा 40,000 दे दिया, हो सकता है उस अमाउंट पे भी एक कंप्लेंट, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो अमाउंट है वो लोग अपनी तरफ से नहीं देते हैं, ये किसी और विक्टिम का अमाउंट रहता है, ठीक है। जैसे आपका पैसा फंसा हुआ था ऐप में, आपने बहुत स्ट्रगल किया, फाइट किया, उसके बाद हो सकता है आपको चलो पैसा मिल भी गया, ठीक है, इनिशियली जो आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये, इवन तो उससे भी कम हो, उस पर भी कंप्लेंट हो सकती है, उस पर भी FIR हो सकती है, वो मनी भी लेना आपके लिए सेफ नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बदले में 1,000 के बदले मुझे 1,500 मिल रहा है, और वो पैसा, ठीक है, आप भले ही ऐप के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो पैसा वो भेज रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैसा किसी और विक्टिम का है जिसके साथ वो लोग ऑलरेडी ठगी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है उस विक्टिम से 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए की ठगी की गई हो, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा आपको भेजा गया है, और उसकी जो कंप्लेंट होगी वो आपके अमाउंट पे भी होगी, आपका अकाउंट भी फ्रीज किया जाएगा, और आपके ऊपर भी यहाँ पे साइबर कंप्लेंट होगी,
ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके की ऐप से दूर रहना है, आपको कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले गूगल पे जाके अच्छे से सर्च करना है कि ये जेन्युइन ऐप है या फ्रॉड ऐप है, उसके बाद ही आप जो है इन्वेस्ट करें, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करने के कई अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, आप इस तरीके की फेक ऐप्स पर विश्वास करके अपना जो पैसा हार्ड एंड मनी है उनको इसी फेक ऐप्स में ना लगाएं और इन चीज़ों से दूर रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे जो बाकी लोग हैं वो भी अफेक्ट हो सके। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स।